सो हेलो दोस्तों, यार कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में फिर से अपकमिंग बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ और नई बाइक्स ऐड हुई है हमारे लिस्ट में। सो यहाँ पे इन बाइक्स के बारे में बात करेंगे इनके प्राइसिंग के बारे में, फीचर्स के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में भी बात करने वाले। सो वीडियो को जो है एंड तक देख लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन फिर भी आपके पास टाइम नहीं है सो यार स्किप कर लेना, बिकॉज कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेक्स्ट वगैरह भी शो हो जाएगा। तो चलिए गाइस बात करते हैं बाइक्स के बारे में। तो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन ये है कि भाई सबसे पहले BS6 कौन सी बाइक आई थी, मतलब कौन सी कंपनी BS6 बाइक लेके आई थी और क्या नाम था उस बाइक का। तो ये जो है आपको कमेंट में डालना है, कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो। इसका आंसर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, या फिर आप मेरे को इंस्टा पे DM करके पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस बात करते हैं सबसे पहली बाइक के बारे में। यहाँ पे सबसे पहली हमारे पास आती है बनेली BN125। बनेली की तरफ से BN125 मतलब 125 सीसी सेगमेंट में बाइक आने वाली है, जो कि फेस्टिवल सीजन में लॉन्च होने वाली है। एंड यहाँ पे जो है इस बाइक में आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक FI BS6 एयर कूल्ड इंजन मिलेगा, ना कि यहाँ पे आपको ऑयल कूलिंग वगैरह। मतलब ये बाइक जो है डायरेक्ट कंप्लीट नहीं करने वाली आपकी RC वगैरह, फिर ड्यूक वगैरह, उनसे कंप्लीट नहीं कर पाएगी, बिकॉज यहाँ पे आपको एयर कूलिंग मिल रही है। और एयर कूलिंग जो है आपको पता है, मतलब ऑयल कूलिंग और लिक्विड कूलिंग, जो आपको लिक्विड कूलिंग मिलती है आपको KTM वगैरह में, सो वो जो है इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। सो उससे जो है परफॉर्मेंस में तो ये कंप्लीट नहीं कर पाएगी, और पावर भी इसमें काफ़ी कम है, 11.1 BHP की। एंड टॉर्क भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कम है, 10 न्यूटन मीटर्स का आपको इसमें टॉर्क मिलता है, 5 स्पीड का गेयरबॉक्स मिलता है, जबकि उनमें आपको 6 स्पीड का मिलता है। एंड यहाँ पे 120 तक की आपको हाई स्पीड देखने को मिल सकती है इस बाइक से, एंड 40-50 की माइलेज मिल जाएगी। हाँ, ये आपकी पल्सर वगैरह से कंप्लीट कर सकती है, या फिर उससे थोड़ी सी और आपको देखने को मिल सकती है परफॉर्मेंस, लेकिन यहाँ पे जो है KTM से नहीं कर पाएगी। यहाँ पे गाइस आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा, फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, फ्रंट में USD सस्पेंशन मिल जाएंगे, एंड रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएंगे, हैलोजन हेडलाइट मिल जाएगी, यहाँ पे LED इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाएगा, LED टेल लाइट मिल जाएगी। सो गाइस यहाँ पे जो है ये बाइक जल्द ही इंडियन मार्केट में आने वाली है। यहाँ पे जो है इसकी कुछ पिक्चर्स लीक हुई थी कुछ दिन पहले, जो कि टेस्टिंग वगैरह पे भी चल रही थी, एंड यहाँ पे एक डीलरशिप में भी स्पॉट की गई थी। सो गाइस यहाँ पे जो इसकी प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 80,000 rupees, 80,000 नेक्स्ट शोरूम हो सकती है इसकी प्राइस, एंड ऑन रोड जाएगी 1 lakh या फिर 1,10,000 तक हाइस्ट मान के चलिए। सो इतना जो इसका प्राइस जाएगा, मतलब ज्यादा हाई परफॉर्मेंस बाइक आपको नहीं मिलेगी, मतलब ये जो बाइक एक मिड सेगमेंट में आने वाली है। सो यहाँ पे जो है काफी अच्छा प्रोडक्ट आने वाला है बनेली की तरफ से, बिकॉज इतने कम सीसी की बाइक आज तक नहीं आई बनेली की इंडियन मार्केट में। एंड बाकी जो है आपको लॉन्च पे सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। सो चलिए गाइस बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। सेकंड हमारे पास आती है CF मोटो की तरफ से 300 SR, जो कि कुछ दिन पहले ही रिवील की गई थी। एंड यहाँ पे जो है ये बाइक आपको फेस्टिवल सीजन में देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट में, लगभग आपको अगस्त से सितंबर के बीच में जो है ये देखने को मिल जाएगी। 292 cc का, मतलब 300 cc का आपको इसमें इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक FI BS6 लिक्विड कूलिंग आपको इस बाइक में मिल जाती है, 28.7 BHP की पावर मिल जाती है, 25.3 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिल जाता है, एंड 6 स्पीड का गेयरबॉक्स आपको इस बाइक में मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे जो है आपको 160 प्लस तक की हाई स्पीड मिल जाएगी, 30-35 तक की माइलेज मिल जाएगी, ड्यूअल चैनल ABS मिल जाएगा, फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, TFT डिस्प्ले मिलेगी आपको इसके मीटर कंसोल में, जिसमें आपको कुछ राइडिंग मोड्स भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है आपको काफ़ी अच्छा जो है एक मीटर कंसोल मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे आपको फुली LED हेडलाइट मिल जाएगी, उसी के साथ साथ DRLs भी मिल जाएंगे, LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, LED टेल लाइट मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जो है हेलोजन का तो कहीं यूज किया ही नहीं है, हर जगह जो है LED देखने को मिलेगी। गाइस यहाँ पे आपको फ्रंट में USD सस्पेंशन मिलेंगे, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलने वाले। सो ये जो बाइक है यार काफ़ी अच्छी लग रही है, डिज़ाइन वाइज भी, ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, एंड परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी खासी दे देगी। लेकिन फिर भी R3 वगैरह को डायरेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएगी, और ना ही RR310 को, बिकॉज उनसे सस्ती भी होने वाली। यहाँ पे जो इसकी प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वह है 2.35 lakhs। तो यहाँ पे जो है RR310 को, तो हाँ RR310 की प्राइस इतनी है, लेकिन फिर भी जो है यार RR310 कंप्लीट नहीं कर सकती, बिकॉज परफॉर्मेंस वाइज जो है थोड़ी सी डाउन पड़ सकती है बाइक। सो चलिए गाइस बात करते हैं थर्ड बाइक के बारे में। थर्ड बाइक हमारे पास आती है Aprilia की RS150, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेट करा रही है, यहाँ पे 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इसका अभी तक जो है कुछ भी न्यूज़ नहीं है, लेकिन फाइनली जो है इसकी एक न्यूज़ आई है। यहाँ पे जो है ये बाइक आपको एंड में देखने को मिल सकती है, 2020 के एंड तक देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट में, बिकॉज यहाँ पे जो है Aprilia अपनी 3-4 बाइक्स को लॉन्च करने वाला है। आपको बता दूँ Aprilia की जो है एक टेरा आने वाली है, उसी के साथ साथ Aprilia की Tuano भी आने वाली, Tuano 125 भी आए। सो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लेके आने वाला है Aprilia, ये नहीं कि एक ही बाइक लेके आए, मतलब जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट लेके आएगा इंडियन मार्केट में। सो गाइस यहाँ पे बात करें इसके इंजन के बारे में, यहाँ पे आपको 150 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक FI BS6 लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाएगा, 18 BHP की पावर मिल जाएगी, 14 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिल जाएगा, 6 स्पीड का गेयरबॉक्स मिल जाएगा, 140 प्लस तक की हाई स्पीड मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आपको 35 से 40 तक की माइलेज मिल जाएगी, उसी के साथ साथ ड्यूअल चैनल ABS मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आपको लुक्स जो है इसका फुल फेयरिंग में मिल जाता है, जो इसकी फेयरिंग है वो काफ़ी अच्छी लगने वाली,
बिकॉज जो है वहाँ पे आपको ग्राफिक्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, कलर्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं एंड इसका जो डिज़ाइन है वो तो है ही लाजवाब, उसके बारे में तो क्या ही कहना। गाइस यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है, ट्विन नहीं, यहाँ पे आपको तीन तीन हैलोजन हेडलाइट मिलने वाली है जो कि काफ़ी अच्छी आपको ब्राइटनेस दे देगी। यहाँ पे आपको एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाएगा, एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल, जिसमें आपको आरपीएम मीटर एनालॉग मिलेगा, बाकी सब कुछ आपको डिजिटली शो करने वाला है। सो यहाँ पे जो है आपको स्प्लिट सीटी भी मिल जाएगी, उसी के साथ साथ फ्रंट में यूएसटी एंड रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलने वाले जो कि काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देने वाले हैं। सो गाइस ये जो बाइक है वो R5 को डायरेक्ट कंप्लीट करने वाली, उसी के साथ साथ जो है RS 200 को भी डायरेक्ट कंप्लीट कर सकती है परफॉर्मेंस वाइज, बिकॉज यहाँ पे जो है आपको अप्रीलिया की पता है, अप्रीलिया की जो पावर 18 BHP है वो यामा की, ये लगा लीजिए कि 20 BHP यामा की और यहाँ इसकी 18 BHP बराबर है, मतलब परफॉर्मेंस आपको सेम ही देखने को मिल जाएगी लगभग। सो गाइस यहाँ पे जो इसकी प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.40 लाख तक आपकी बाइक देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में, एंड ऑन रोड ये आपको 1.70 तक ही देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है, बट यार यहाँ पे फुल पैसा वसूल बाइक है, बिकॉज इसके लिए हर कोई काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा है। सो यदि ये थोड़ी सी महंगी भी आती है तो अच्छी खासी सेलिंग ही अचीव कर लेगी। सो चलिए बात करते गाइस अभी फोर्थ बाइक के बारे में। फोर्थ बाइक आती है हमारे पास बजाज की तरफ से, एवेंजर स्ट्रीट 250। स्ट्रीट का जो 220 मॉडल था वो डिस्कंटिन्यू कर दिया, आपको पता है BS6 अपडेट के साथ में नहीं आया, वो उसको डिस्कंटिन्यू कर दिया गया है। एंड यहाँ पे जो है स्ट्रीट 250 आने वाली है, उसकी जो न्यूज़ है वो मेरे को शोरूम से मिली थी, शोरूम वाले बोले कि वो अब 250 सीसी में आने वाली है। सो गाइस यहाँ पे जो है आपको सेम डोमिना 250 का इंजन देखने को मिल सकता है इस बाइक में, एंड यहाँ पे ये बाइक भी आपको एंड तक देखने को मिल जाएगी। गाइस यहाँ पे आपको 248 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक BS6 FI लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाएगा जो कि DOHC होने वाला है, एंड यहाँ पे आपको 27 BHP की पावर मिल जाएगी, 23.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिल जाएगा, 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाएगा, 150 तक की आपको हाई स्पीड दे देगी ये बाइक, 30-35 तक की माइलेज मिल जाएगी, ड्यूल चैनल ABS मिल जाएगा, उसी के साथ साथ आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाले इस बाइक में। एंड यहाँ पे शायद आपको LED हेडलाइट ना मिले, हैलोजन ही मिले, बिकॉज ज़्यादा चेंजेस नहीं करता है यहाँ पे बजाज। सो बाकी आपको सस्पेंशन वगैरह वही मिलने वाले, फ्रंट में टेलीस्कोपिक एंड रियर वो 5-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग सस्पेंशन। सो गाइस यही जो है आपको सस्पेंशन सेटअप वगैरह मिलने वाला है। तो इसकी जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 1.30 लाख तक आपको देखने को मिल सकती है एक शोरूम, एंड ऑन रोड जाएगी 1.50 लाख तक। सो गाइस चलिए बात करते हैं फिफ्थ बाइक के बारे में। फिफ्थ बाइक हमारे पास आती है KTM एडवेंचर 250। KTM में जो ड्यूक 250 है उसी का सेम इंजन आपको इसमें देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे ये बाइक भी आपको फेस्टिवल सीजन में देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे गाइस आपको 248 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक FI BS6 लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाएगा, उसी के साथ 30 BHP की पावर, 24 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क, 6 स्पीड का गियरबॉक्स, एंड यहाँ पे जो है आपको 150 प्लस तक की हाई स्पीड दे देगी बाइक। फुली ऑफ रोडिंग टायर्स वगैरह मिलने वाले हैं, फुली ऑफ रोडिंग जो है आपको कुछ किट्स वगैरह भी इसमें मिल जाएंगी, एंड यहाँ पे 30-35 तक की माइलेज, उसी के साथ साथ आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाले, TFT डिस्प्ले वाला, एंड गाइस यहाँ पे आपको फुली LED हेडलाइट मिल जाएगी, उसी के साथ साथ ड्यूल चैनल ABS मिल जाएगा, फ्रंट में आपको USD एंड रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस ये जो बाइक है वो भी काफ़ी दिनों से वेटिंग में चल रही है, सो ये बाइक भी आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। इसकी जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 2.30 लाख के अंडर आपको देखने को मिल सकती है एक शोरूम, एंड ऑन रोड जाएगी वही 2.60-2.70 हाइएस्ट जा सकती है। सो चलिए गाइस बात करते हैं सिक्स बाइक के बारे में। सिक्स बाइक हमारे पास आती है होंडा की हॉर्नेट BS6 मॉडल। BS6 मॉडल जो है इसका जल्द ही लॉन्च होने वाला है, बिकॉज ये जो है लॉकडाउन वगैरह की वजह से ही डिले हो चुका है। काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे आप लोगों की, भाई ये कब आएगी, क्या कुछ इसकी प्राइसिंग होने वाली। मैं आपको बता दूं ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस भी नहीं होंगे। सो प्राइसिंग जो है लगभग 7-10 हज़ार रुपए बढ़ने वाली है, जो कि हर एक BS6 मॉडल में मतलब प्राइसिंग बढ़ी है। होंडा की ले लीजिए या फिर आप यामा की, मतलब किसी भी मॉडल को ले लीजिए, इतनी प्राइस तो आपको मिनिमम बढ़ने को देखने को मिलेगी। सो गाइस यहाँ पे जो है इस बाइक में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि BS6 इंजन देखने को मिल जाएगा, ऑयल कूलिंग आपको इसमें मिल जाएगी, उसी के साथ साथ आपको न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको इंजन की स्विच मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको इंजन कावल भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे माइनर चेंजेस होने वाले, ज़्यादा कुछ खास बड़े अपडेट नहीं होने वाले। सो गाइस हॉर्नेट 160 जो है मई 2020, मतलब जैसे ही लॉकडाउन वगैरह हटता है, सो आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग मैंने बताया 7-10 हज़ार बढ़ने वाली इस बाइक की। सो गाइस चलिए बात करते हैं सेवंथ बाइक के बारे में, जो कि हमारे पास आती है हीरो की तरफ से, एक्सट्रीम 160R, जो कि मार्च में लॉन्च होनी थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसको डिले कर दिया गया था अप्रैल में, फिर अप्रैल के बाद जो है अभी मई में कर दिया, बिकॉज यहाँ पे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, उसी वजह से जो है कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन वगैरह हटता है, नॉर्मल सिचुएशन होती है, तो आपकी बाइक देखने को मिल जाएगी। सो गाइस यहाँ पे इस बाइक में आपको 163 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक BS6 FI एयर कूल्ड इंजन मिल जाएगा, ऑयल कूलिंग लिक्विड कूलिंग नहीं मिलने वाली, ओनली बेसिक एयर कूलिंग इंजन मिलने वाला है। सो गाइस यहाँ पे आपको 15 BHP की पावर, 14 Nm तक का टॉर्क, 6 स्पीड का गियरबॉक्स नहीं, यहाँ पे आपको 5 स्पीड का ही गियरबॉक्स देखने को मिलेगा, 125 प्लस तक की हाई स्पीड देखने को मिल जाएगी, 40-45 तक की माइलेज मिल जाएगी, डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, लेकिन उसमें भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो गाइस यहाँ पे आपको LED हेडलाइट
चॉकलेट मिल जाती है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लुक्स जो है काफ़ी अच्छा आता है बाइक का फ्रंट से, एंड ओवरऑल जो है बाइक काफ़ी अच्छी है लुक्स वाइज, डिज़ाइन वाइज, ग्राफिक्स वाइज, कलर्स वाइज। सो उसमें कोई भी कमी मेरे को यहाँ पे नहीं लगी। गाइज यहाँ पे आपको सिंगल चैनल एबीएस मिल जाएगा, फ्रंट में टेलीस्कोपिक एंड रियर में मॉनशॉक सस्पेंशन मिल जाएगा। सो गाइज ये जो है लगभग इसकी प्राइस होने वाली है 90,000 रुपीज़ इसकी एक्सशोरूम प्राइस हो सकती है। ज़्यादा ऊपर लेके जाओगे तो 95 इससे ऊपर ये बाइक नहीं आने वाली, बिकॉज इससे ऊपर यदि गई सो फिर इसकी तरफ कोई नहीं जाएगा। बिकॉज आपको पता है अपाचे आरटीआर 164V इससे बेटर है। सो वो भी जो है 1 लाख में आ जाती है, उसका जो लोअर मॉडल है उसकी एक्सशोरूम प्राइस है 1 लाख कुछ। सो हर कोई उसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ शायद ही कोई जाए। सो यहाँ पे जो है आपको 95,000 से नीचे इसकी प्राइस देखने को मिलेगी, ऑन रोड जाएगी 1.10 लाख तक हाईएस्ट। सो गाइस यही कुछ बाइक्स थी जिनके बारे में बात करनी थी। सो गाइस ये तो कुछ आज की वीडियो में, आपके कोई भी डाउट्स हो इंस्टा पे डीएम कर देना। एंड यहाँ पे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई पहली BS6 बाइक कौन सी कंपनी लेके आई थी इंडियन मार्केट में, एंड यहाँ पे क्या नाम था इस बाइक का, सो गाइस वो जो है आप कमेंट कर देना, बिकॉज इसका आंसर मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे सकता हूँ या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।